आज मैं आम की मीठी अचार बनाने जा रही हूँ, तो आप लोग ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मैं ये आम ले ली हूँ, कच्चा आम है, इसको हम पहले छील लेंगे। मैं अच्छे से धो करके इसको ले ली हूँ पहले ही, अब इसको धोना नहीं है, इसको हम छील लेंगे। आम छील कर मैं ले ली हूँ और कद्दूकस के मोटे तरफ से, पतले साइड से नहीं, मोटे तरफ से इसको हम कद्दूकस करके ले लेंगे आम को। यहाँ पे देखिए सारा मैं कद्दूकस करके ले ली हूँ। अब एक कटोरा ले लेंगे और इसमें हाथ से ही दबा दबा के इसका रस थोड़ा सा निकाल देंगे। थोड़ा थोड़ा रस निकाल देना है। यहाँ पे देखिए इसमें से रस निकाल दी हूँ मैं थोड़ा थोड़ा। गैस पे मैं एक कढ़ाई ले ली हूँ, अब इसमें सरसों तेल डाल देंगे 4 चम्मच। बड़े चम्मच से सरसों तेल डालना है, थोड़ा ज़्यादा ही सरसों तेल डालना है। सरसों तेल गरम होने देंगे। तेल गरम हो चुकी है, अब इसमें छोटी चम्मच राई डाल देंगे, थोड़ी सी कलौंची, थोड़ी सी मेथी के दाने, थोड़ी सी सौंफ डाल देंगे, थोड़ी सी जीरा, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी सी हींग भी डालना है इसमें। तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और एक सूखी लाल मिर्च तोड़ के इसमें डाल देना है। अब इसमें ये जो आम जो कद्दूकस करके ले ली हूँ, ये आम इसमें डाल देना है। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है, थोड़ी देर इसको हम भून लेंगे। यहाँ पे देखिए थोड़ी देर में इसको भून ली हूँ अच्छे से। अब इसमें नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, आधी चम्मच हम यहाँ पे नमक ले लेंगे, आधी चम्मच हल्दी पाउडर और आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, एक हमने सूखी मिर्च भी डाली थी। अब इसमें आधी कटोरी चीनी डाल देंगे। गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है, लो पे अब इसको हम थोड़ी देर और पकाएंगे। यहाँ पे देखिए 10 मिनट मुझे लगी है, इसको कम आंच पे बिल्कुल चलाते हुए इसको हम पका लिए हैं। ये आम की मीठी अचार बन के तैयार हो गई है, इसको हम ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसको हम डब्बा में बंद करके फ्रिज में अगर रख देंगे तो ये 1 साल तक ख़राब नहीं होगी। तेल थोड़ा सा उसके लिए ज़्यादा डालनी है, सरसों तेल, तो ये अचार ख़राब नहीं होगी। 1 साल तक ये ऐसे ही आम की मीठी अचार रहेगी। अब इसमें हम मसाला डालेंगे, अचार मसाला। मैं आप लोगों को दिखाई थी आम की अचार बनाई थी, तो उसमें मैं मसाला बनाई थी, तो मसाला इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आती है अचार की। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, 1 मिनट और हम इसको भून लेंगे। यहाँ पे देखिए 1 मिनट हो चुकी है, मैं इसको अच्छे से भून ली हूँ। देखिए कितना अच्छा ये आम की मीठी अचार बनी हुई है, तो आप लोग एक बार ज़रूर बनाइएगा।